उत्तराखंड के पौड़ी में संयुक्त संघर्ष समिति ने ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग के दफ्तर में पहुंचकर तालाबंदी कर दी। दरअसल बढ़ते पलायन के आंकड़ों को देखते हुए संयुक्त संघर्ष समिति ने चिंता जताते हुए कहा कि पलायन रोकथाम के लिए कोई ठोस सुझाव पलायन निवारण आयोग को नहीं भेजा गया है। वहीं पलायन निवारण आयोग के उपाध्यक्ष भी इस दफ्तर में नहीं बैठते। ऐसे में पलायन रोकथाम के लिए संजीदा न होने पर पलायन निवारण आयोग में आज सांकेतिक तौर पर तालाबंदी की गई। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। यह तो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कि 23 सालों बाद भी आज पौड़ी से लगातार पलायन बढ़ता जा रहा है। पलायन आयोग जब पौड़ी में बना था तो एक उम्मीद जगी थी कि जरूर पौड़ी को लेकर जो अपेक्षित मानसिकता थी उसको कहीं ना कहीं दरकिनार करके पौड़ी का विकास होगा, लेकिन वर्तमान जो परिस्थितियाँ हैं, पलायन आयोग के उपाध्यक्ष है लंबे समय से यहाँ पे है नहीं और पलायन आयोग का भी ऐसा कोई खास योगदान नहीं देखने को मिल रहा है कि जिससे पौड़ी में पलायन रुक सके, तो फिर इस पलायन आयोग को बंद करना ही यहाँ की जनता ने उचित समझा है। और आज संयुक्त संघर्ष समिति का पहले से ही जो कि आह्वान था कि आज पलायन आयोग बंद किया जाएगा, उसी को लेकर ही बंद किया गया। पलायन आयोग तो बना दिया पर उसका भी पलायन हो चुका है यहाँ से, तो इसलिए यह है कि हम इसलिए यहाँ पे आज आए हैं। आज संयुक्त समिति का आज इसलिए फैसला था कि जब तक पलायन आयोग का कैंप कार्यालय से लोग यहाँ से हट के मेन ऑफिस में ना बैठे तब तक हम यहाँ पे धरना देंगे। तालाबंदी कर चुके हैं और जब तक पूरे कैंप ऑफिस के लोग मेन ऑफिस में ना आए और पलायन के प्रति एक अच्छा फॉर्मूला तय ना करें तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। हमें जो है वो सुरक्षा बल के द्वारा भी अवगत करा दिया गया था कि आज जो है वो संयुक्त संघर्ष समिति पौड़ी के द्वारा जो है वो पलायन निवारण आयोग में तालाबंदी के लिए लोग आ रहे हैं, जिनके द्वारा जो है अभी लगभग 2:45 करीब जो है उनके द्वारा तालाबंदी कर दिया गया है। सांकेतिक रूप से है जिनके द्वारा तालाबंदी किया।